नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। चुरू के जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि राजकीय सम्मान के साथ होगा भंवरलाल शर्मा का अंतिम संस्कार। चुरू के जिला कलेक्टर को भी इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। उनके निधन के बाद राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। इसके अलावा चुरू के जिला कलेक्टर को भी इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा का 77 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। शोकाकुल परिजनों से भी मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इसके अलावा अन्य कांग्रेस नेताओं ने भंवरलाल शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए भी शोक व्यक्त किया और भंवरलाल शर्मा के निधन पर वो उन्हें श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे। अंतिम दर्शन के लिए अभी उनके शव को रखा गया है और कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे मुख्य संपादक मनु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ स्थिति इस वक्त है। मनु जी, जिस तरह से अब राज्य सरकार ने भी बड़ा फैसला कर दिया है कि कल राजकीय सम्मान के साथ भंवरलाल शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा, कब उनका शरीर वहां से शमशान घाट के लिए रवाना होगा और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कल भंवरलाल शहर में उनका अंतिम संस्कार होगा और वहीं पर इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए वहां रखा जाएगा। वहां पर सभी लोग वहां पहुंच चुका है, लेकिन आज कल सुबह से अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर उनको राजस्थान के ब्राह्मण नेताओं के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मण नेताओं में बड़ा नाम था उनका, इसके कारण से कई अन्य जगहों के भी नेताओं का यहाँ तक पहुंचने का है। उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है वो उनका राजकीय सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी, जिसमें जिला कलेक्टर चुरू को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय सम्मान के साथ में पूरी अंत्येष्टि करवाई जाए। और जिस राजकीय सम्मान का मतलब है कि तिरंगे में लपेट करके और उनको वहाँ अंतिम संस्कार तक के लिए ले जाया जाएगा, वो सशस्त्र सलामी जो होती है वो उनको दी जाएगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्या अभी भी लोगों के वहां श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है, क्या वो अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, जिस रास्ते से जयपुर से लेकर के उनका जो पार्थिव शव वहां तक पहुंचा है, बीच में चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो और आपके ये यहाँ रतनगढ़ हो, सभी जगह पर उनका पार्थिव शव जहाँ से गुजरा है वहां से लोगों की भीड़ ने उनको अंतिम उससे विदाई दी है और उनको श्रद्धांजलि दी है। कल सरदार शहर से ये विधायक थे लंबे समय से और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होना है, तो वहां पर तमाम कांग्रेसी नेता और स्थानीय लोग जुटेंगे, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार होगा 12:30 बजे करीब तक समय बताया गया। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा था कि जिस तरह का व्यक्तित्व भंवरलाल शर्मा का रहा, वो हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहे, विकास के कार्यों को लेकर उन्होंने लगातार प्रयास किया है और ऐसे में ऐसा इंसान कभी फेल नहीं होता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे और सामाजिक कार्यों में उनका विशेष योगदान रहा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान ब्राह्मण महासभा उन्होंने गठित की थी, जिसके अंदर एक बैनर के तले सभी ब्राह्मण जो संगठन है उनको लाने का प्रयास किया था। जयपुर में ब्राह्मण संगठनों के लिए उन्होंने काफी काम किया है। विद्यालय नगर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा का एक बड़ा भवन का निर्माण किया है। इसके अलावा जो भी निःशुल्क पढ़ाई के लिए उन बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब उनकी ओर से चलती थी। एक बड़ा जो सामाजिक कार्य होता है वो भी उन्होंने किया और अपने क्षेत्र के लिए भी काफी विकास के काम किए, इसलिए उनको याद किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं
कि तमाम जिला कलेक्टर जो जिला प्रशासन है वहाँ पर मौजूद रहेगा, उनके अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे, सशस्त्र सलामी और तिरंगे के साथ में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी तमाम जानकारियों के लिए।